गुड मॉर्निंग रिशु, गुड मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग हो चुका है और हम लोग सुबह की शुरुआत कर रहे हैं गर्मा गर्म कड़क सी चाय के साथ। गुड मॉर्निंग शगन। गुड मॉर्निंग। सो आर यू एक्साइटेड? यस, लास्ट वीक वाज ओनली अ नैप प्लान बट नाउ इट्स जस्ट नॉर्मल। रिशान, गुड मॉर्निंग। यू हैव टू गो टू स्कूल? नो, वी गोइंग टू प्री स्कूल। Oh, Mama's doing my hair right now for school. Thanks. I love you guys. My hairstyle. Mama did a top to bottom. That's right, I think. Okay, Vika. Are you ready? Yes, I'm ready. Where's your bag? My bag. This is my breakfast. Enjoy! एंड शगुन यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है, तब तक मैं उसके लिए लंच में मखाने दे रही हूँ। और यहाँ पे लंच बॉक्स भी रेडी कर लिया है, तो लंच बॉक्स में मुझे उसको एक प्रॉपर लंच, स्नैक्स और फ्रूट्स देना होता है, तो रेडी कर दिया है मैंने उसका लंच बॉक्स। एंड टिल देन रिशान भी उठ चुका है और वो भी इंजॉय कर रहा है बनाना। पकड़ो, पकड़ के खाओ। Bye. I love you. यहाँ पे मैंने रिशान का भी ब्रेकफास्ट रेडी करके उसको खिला दिया है। मीलवाइल जब तक उसने ब्रेकफास्ट किया, मैंने उसके डे केयर में जाने के लिए जो कपड़े निकालने हैं वो सब कुछ निकाल के रेडी कर लिया है। एंड आफ्टर दैट जो बैग उसका मैंने रेडी किया है। एंड यहाँ पे रिशान का ये फेवरेट कार है, तो मैंने सोचा ये भी मैं उसके साथ आज बैग में रख देती हूँ। एंड उसके बाद मैंने रिशान को शावर दे करके रेडी कर दिया है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो मैं चाह रही थी वो बिल्कुल अच्छे से फ्रेशन अप होके जाए। एंड फर्स्ट डे है चाइल्ड केयर का, तो दही चीनी खिलाना तो बनता है। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है मंडे और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग। तो ये व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज रिशान का फर्स्ट डे है डे केयर का। लाइक आज फर्स्ट डे है, तो आज हमें 1 आवर के लिए ही उसको ड्रॉप करना है। तो 1 आवर में ड्रॉप करके मतलब हम आसपास ही रहेंगे, लाइक वहीं पे रहेंगे। तो 1 आवर जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद हम इसको पिक कर लेंगे। तो देखते हैं आज का डे कैसा रहता है, कैसे रिशान को कितना टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो मुझे पता है काफ़ी बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है एडजस्ट होने में डे केयर में। तो फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर बेस्ट। वेदर काफ़ी अच्छा है, वेदर लाइक एकदम सनी सा वेदर है। तो रिशान है यहाँ पे खेल रहा है। रिशान से हेलो। थोड़ा सा वो क्रैंकी सा है, बट हाँ मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में, होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो स्टार्ट कर, बैठ गई हूँ मैं कार में और मैं रिशान को ड्राइव करके लेके जा रही हूँ चाइल्ड केयर। और रिशान से हाय। हाय। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ और जितना मेरे से होगा मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा रिशान का डे। तो देख रहा है वो। हैप्पी है?
एंड पहुंच गए हैं हम लोग चाइल्ड केयर, और ये चाइल्ड केयर हमारे घर से कार से 5-10 मिनट्स लगता है पहुंचने में। रिशान की एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है आप लोगों को, बहुत एक्साइटेड है। एंड ये है ब्रेकफास्ट का मेन्यू आज का, तो एवरीडे का ब्रेकफास्ट इन लोगों का चेंज होता है। एंड बाहर में बहुत अच्छी सी एक्वेरियम लगी हुई है, तो रिशान ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहा था वो फिश देख करके, तो मोस्टली उसने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया फिश के पास, काफ़ी हैप्पी हो रहा था। और ये उसका रूम है, तो पहले काफ़ी टाइम उसको समझ में नहीं आया कि हम उसे छोड़ के आ जाएंगे, तो वो हमारे साथ था, हम भी उसके साथ थे, और वो अपने टॉयज एंड ऑल सबके साथ प्ले कर रहा था। रिशान, शो मी योर कार। एंड 1 आवर का ही आज फर्स्ट डे का ओरिएंटेशन है, तो मीनवाइल हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी पिक किया। तो हम लोग रिशान को ड्रॉप करके घर आ गए हैं, और पहले तो वो काफ़ी रो रहा था, फिर हम लोग धीरे से पहले मैं निकली, फिर हस्बैंड निकले, फिर उसको ड्रॉप करके आए। तो हम वहाँ पर भी वेट कर सकते थे, बट हम लोग घर आ गए और कॉफ़ी ले लिया है। बट अभी मेरे को फिर से जाना है उसको पिक करने, तो देखते हैं जब मैं पिक करने जाऊँगी तो उसका कैसा रिएक्शन रहता है, कैसा होगा उसका डे। रिशान थक गए हो, आपका बैग थक गए हो आप। हेलो, हाउ वाज योर डे? व्हाई आर यू ऑलवेज सिट इन फ्रंट? Well, Papa checked. I asked him to see if I could sit in the front for my age, and it said 7 and up, and I'm 9 years old, obviously, so I can sit in the front. एंड घर आने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा आज रिशान के चाइल्ड केयर एंड इन सब चीज़ों में निकल गया, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से राजमा बॉईल किए हुए थे, तो राजमा एंड राइस विद बूंदी रायता ये बनाया, और मैंने बहुत जल्दी बनाया बट बहुत ही टेस्टी बना। एंड उसके बाद इवनिंग में मैं लग गई हूँ डिनर के प्रिपरेशन के लिए, तो डिनर में मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस के चीले, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल एंड क्विक सी रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो इसको मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल चटनी के साथ, और वो चटनी है खसखस की चटनी, जो कि इसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खसखस की जो चटनी बनाई है, इसको मैंने थोड़ा सोक करके रखा था लाइक 2 आवर्स के लिए, फिर इसमें गार्लिक और रेड चिली डाला था, और उसके बाद मैंने ग्राइंड करके तड़का लगा दिया। एंड ये है राइस फ्लोर का चीला, तो इसको मैंने बताया इसमें दही भी डाला है मैंने, थोड़ी सी सूजी डाली है, और बाकी बेसिक मसाले डाले हैं, और इसका भी मैंने गोल बना करके अराउंड 2 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, तभी जाके ये चीले बहुत अच्छे बनेंगे, लाइक टूटेंगे नहीं, और इनकेस टूटते भी हैं तो भी खाने में तो टेस्टी लगते हैं, पर जो जैसे पहला चीला बनाओ या डोसा बनाओ तो वो तो टूटता है मैक्सिमम टाइम, तो मेरा भी पहला चीला टूट ही गया था, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद अच्छे अच्छे चीले मतलब बन जाते हैं क्रिस्पी से टेस्टी से। तो रेडी हो गया है मेरा चीला, और उसके बाद मैं फटाफट सबको सर्व करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें गरम गरम ही टेस्टी लगती हैं, और स्पेशली मेरे घर में सबको गरम ही खाना पसंद है, तो फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए प्लेट लगा रही हूँ।
एंड फाइनली किचन भी बाइंड अप कर लिया है मैंने, सब कुछ क्लीन कर लिया है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने चीला की रेसिपी शेयर की है वो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी, क्विक एंड टेस्टी रेसिपी है, और मैंने बनाया, घर में सभी को बहुत पसंद आया, इवन रिशान को बहुत पसंद आया। फर्स्ट जो मैंने एक ब्लॉग कम्युनिटी पोस्ट डाला था ब्लॉग से रिलेटेड, वो ब्लॉग मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, एडिटिंग किया था, सब कुछ हो गया था, बट पता नहीं गलती से कैसे वो ब्लॉग डिलीट हो गया, और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कैसे मैंने वो डिलीट कर दिया। लाइक फाइनली अपलोड होने वाला था और अपलोड से कुछ ही मिनट पहले मेरे से वो गलती से डिलीट हो गया, और मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया। बट फिर भी मैंने आज हिम्मत जुटाया और मैंने सोचा मैं ये ब्लॉग बनाऊँगी, और फाइनली वेनेसडे तक ये व्लॉग मैं एडिट करूँगी। आज मंडे है, वेनेसडे को आ जाएगा ये व्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।